हेलो जी, हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब लोग भले चंगे होंगे। श्रेया के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बस किचन में अगर पेट पूजा करना है तो किचन में आना ही होगा। तो बस मैं किचन में आ गई हूँ और आप लोग मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं। अगर अच्छे अच्छे वीडियो देखनी है तो किचन की तरह आप लोग भी मेरे चैनल पर आइए, क्योंकि नए नए वीडियो हम हर रोज़ बनाते हैं। हाँ, जो मैं बना पाती हूँ वही बनाती हूँ, इसका गलत मतलब आप लोग मत निकालिएगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे सबसे पहले निकालूंगी चावल, और अपने बालों को मैंने वॉश किया है, और हेयर वॉश करने के बाद तो ये लगता है कि यार अगर कोई खाना बना के दे दे तो फिर ठीक है। लो, बन गया तुम्हारा। क्या बन गया? तो बच्चों के लिए नमकीन चावल और बर्गर सब मैं यहाँ पे बना रही हूँ। हालांकि बनाते से बनाते मैं इतना ऊब जाती हूँ, इसलिए मैं खा नहीं पाती हूँ। और ये चीज़ तो बिल्कुल भी मैंने रोस्ट किया हो बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। और पता नहीं, मुझे अजीब से लगता है यार, जैसे अजीब से इसका टेस्ट आता है। लेकिन हालांकि मैं यहाँ पर दोनों साइड में लगा कर चटनी और आलू अलग तरह से बनाऊंगी, तो कुछ थोड़ा बहुत खा लूँगी। तो बस आलू को भी एक तरह से बिल्कुल अच्छे से जो बंद है उसमें बन है उस पर मैंने हंसी कुछ बातों से आ गई। और मैं यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से इसको लिप लगा दूंगी, और उसके बाद प्याज वगैरह टमाटर वगैरह से ग्रीस कर लूँगी, और उसके बाद हम इसको बन के हमारा जो है बर्गर जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो आप लोग भी आ जाओ फटाफट से जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे देखिए, बस दूसरे पे भी इसी तरह से हमको करना है, और इसे इसमें और एक दूसरे के ऊपर रख के चिपका देना है, और फिर आराम से टेस्टी खाइए, मज़े ले के अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई बना के देता है और उसके साथ मिल जाता है चाय, तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता है। यहाँ पे बर्गर जो है तैयार हो चुका है, तो कौन कौन आ रहा है खाने? जो इसके शौकीन होंगे और जो नहीं होंगे, एक बार ज़रूर बना के इस तरह से देखिएगा। हमको नहीं अच्छा लगता, हो सकता है आप सबको अच्छा लगे। अच्छा क्या लगे, अच्छा है ही, बस मैं बनाते बनाते ही उब जाती हूँ मतलब। और यहाँ पे मेरा नमकीन चावल और दोनों तैयार है, आप लोग आ जाइए नाश्ता करने। बस बच्चों को देने के बाद मैं भी लेके बैठी हूँ, और आप सबको मैं पहले से ही इनवाइट करी थी, तो आप लोग भी आ जाओ फटाफट में, और फटाफट से जल्दी से गर्मा गर्म किचन में जाइए, फटाफट बनाइए और फटाफट खाइए, और मुझे लाइक करते जाइए यार, सपोर्ट करते जाइए। तो बस यम्मी का मज़ा ले लूँ। वैसे एक बात मैं बताऊं आप सबको, मेरे बाल को यार कोई चीज़ सूट नहीं करता है। और मैं यहाँ पे लेके बैठी हूँ एलोवेरा, तो एलोवेरा लगाती थी और बालों में अपने दही लगाती थी। मेरे बाल इतने टूट गए समझ लीजिए कि मैं क्या बताऊं। और यहाँ पे एलोवेरा का जो कहते हैं ना कि इसको निकालना है, निकाल के आप लगाइए, मेरे फेस को ये सूट करता है लेकिन मेरे बालों को नहीं।
हाँ, इसको लगाने के बाद बाल में शाइनिंग आ जाता है, चमक आती है। आप लोग भी ट्राई करिएगा, बट मेरे बालों को सूट नहीं किया, मेरे बालों को कभी भी नहीं सूट करता। सिर्फ मेरे बालों को क्या कि मैं अपने बालों में ऑयल लगाऊं और ऐसा सिंपल से पड़ा रहने दूँ। हालांकि इतना गंदा सा नहीं है मेरा बाल, ऐसा नहीं है कि मतलब शाइनिंग नहीं है, उसमें लाइट नहीं है, लेकिन मैं सोचती हूँ एक अलग से चमक हो। लेकिन वो चमक पाने के लिए अगर मैं कुछ अपने बालों में अप्लाई करती हूँ तो उसमें वो मैं सक्सेस नहीं हो पाती हूँ। मेरा बाल चमकदार बन जाता है लेकिन कम हो जाता है, लेंथ भी उसकी कम हो जाती है और हल्का भी हो जाता है, क्योंकि तो झड़ जाता है ना। और देखिए मैं अपने फेस में यहाँ पे लगा रही हूँ एलोवेरा, फेस में सूट करता। तो मैं यहाँ ट्राई ज़रूर कर रही हूँ, ट्राई भी कर रही हूँ और अपने बालों का लेंथ जो है और अपने बालों का जो घनापन है उसको भी कम कर रही हूँ, लेकिन मेरे बालों को सूट नहीं करता है। और सच में बताऊँ बहुत दुख होता है। मैं कई बार ट्राई करी हूँ, कई नींबू, कई कंडीशनर, तो जितनी बार मैंने ट्राई किया है उतनी बार मेरे बाल गायब हुए हैं। तो अब शायद लास्ट है, इसके बाद नहीं। आंखें तो खुल गई है, बट ये मेरी जो है कुछ दिनों की पुरानी वीडियो थी मेरे पास, तो वो मैंने आप सबके से साथ शेयर कर रही हूँ, बता भी रही हूँ कि जो जिसको मेरे जैसे प्रॉब्लम होती हो वो बिल्कुल भी इस तरह से बिल्कुल भी ना लगे। तो कुछ लोग बोलते हैं मुझे, कमेंट करते हैं कि आपका स्किन इतना चिकना क्यों है। अब आप लोग बोलेंगे कि मैं लगाती हूँ एलोवेरा इसलिए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं एलोवेरा रोज़ लगाती हूँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।